What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. कढ़ाई पनीर बना रहा हूँ आज, जब एक काफ़ी फेमस रेसिपी है, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर, सब जगह पर मिलती है, पर आज मैं आपको मेरे स्टाइल का कढ़ाई पनीर कैसे बनता है वो बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। एक कढ़ाई मसाला बनाया जाता है, एक स्पाइस मिक्स बनाया जाता है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अलग हो जाता है। फिर एक ग्रेवी बनाई जाती है, फिर वेजीज को टॉस करके, पनीर को साथ में टॉस करके ग्रेवी मिलाई जाती है और बहुत ही डिलिशियस और ब्यूटीफुल कढ़ाई पनीर बनता है। कमेंट्स में अक्सर आप लोग लिखते हो कि वो वेजिटेबल्स के अलग अलग शेप्स कैसे कट किए जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल्स में सब्जियां और पनीर कैसे कट करते हैं वो भी बताने वाला हूं। सबसे पहले कढ़ाई पनीर के लिए कढ़ाई मसाला कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म करके फ्लेम को एकदम लो पर कर दीजिए। अब इसमें 2 कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून सौंफ और 8 से 10 साबुत काली मिर्च, ये सारे मसाले डालकर आपको अच्छे से टोस्ट कर लेना है, इन्हें हल्का सा भून लेना है एकदम लो फ्लेम पर, जब तक कि इसमें से खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती है। कढ़ाई मसाले में साबुत धनिया और सौंफ, ये जो 2 मसाले हैं इनका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मसालों में से सुगंध आना शुरू हो गई है तो इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार मसाले ठंडे हो जाएं तब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर या हमाम दस्ते में आपको दरदरा कूट लेना है। मैं हमाम दस्ते का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एकदम एक दरदरा पाउडर इसका बना लीजिए। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से मसाले को कूट लिया है, ये हमारा कढ़ाई मसाला रेडी हो गया है। अब सब्जियों को कट कर लेते हैं। यहाँ पर एक शिमला मिर्च ले रहा हूँ। शिमला मिर्च का ऐसे टॉप और बॉटम जो होता है उसको पहले आपको अलग कर लेना है, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर एक स्लिट बनाना है। स्लिट बनाने के बाद अपने नाइफ को ऐसे स्लिट में इंसर्ट करके आपको धीरे धीरे इसका जो कोर है इसको सेपरेट कर लेना है, जो बीज है उसको सेपरेट कर लेना है। आपको एक ऐसे लंबी सी स्ट्रिप मिल जाएगी। अब इसको इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लेना है। छोटे आपको इस तरीके से रेक्टेंगल्स मिल जाएं तब इन्हें ऐसे डायगनली कट करके इसके ट्राइंगल्स कट कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो कैप्सिकम के हमारे ट्राइंगल्स रेडी हो गए हैं। अब प्याज को भी इसी तरीके से ट्राइंगल्स में कट करना है, तो प्याज ले लीजिए, प्याज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। प्याज का ये जो रूट वाला हिस्सा होता है इससे आपको अलग कर लेना है। अब प्याज को लेकर डायगनली आपको इस तरीके से 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है। एक बार ये इस तरीके से डिवाइड हो जाए तो अब प्याज के जो लेयर्स हैं उसको अलग कर लीजिए, आपको प्याज के ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो प्याज के इस तरीके से ट्राइंगल्स मिल गए हैं। ये जो बाकी का प्याज है, जो बल्ब्स बच गए हैं, इसको आप चॉप करके आगे ग्रेवी में यूज़ कर सकते हो। मैं इसको यूज़ कर लूँगा, वेस्ट नहीं करेंगे। अब टमाटर के भी ट्राइंगल्स कट करने हैं, तो टमाटर के ऐसे साइड्स को आपको अलग करना है, इसको डीसीड कर लेना है बेसिकली। मैं इसके ऐसे 3 स्लाइसेस जो हैं साइड से ऐसे कट कर रहा हूँ। एक बार आपको ऐसे 3 स्लाइसेस मिल जाएँ तो स्लाइस को बीच में से आपको डायगनली कट करना है, तो आपको ऐसे 2 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे टमाटर के। तो ये टमाटर के भी ट्राइंगल्स देख सकते हो आप रेडी हो गए हैं। ये जो टमाटर का बीज वाला हिस्सा है ये भी मैं ग्रेवी में बाद में चॉप करके यूज़ कर लूँगा, इसे वेस्ट नहीं करना। इस तरीके से मैंने 2 टमाटर कट कर लिए हैं और हमारे टमाटर के ट्राइंगल्स रेडी हो गए। तो पनीर को कट कर लेते हैं। 500 ग्राम का पनीर का ब्लॉक लिया मैंने। अभी इस ब्लॉक को मैं 2 सेंटीमीटर के थिकनेस में से स्लाइसेस कट कर रहा हूँ, बड़े बड़े रेक्टेंगल्स कट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से 2-2 सेंटीमीटर के स्लाइसेस काट लीजिए। एक बार आपको इस तरीके के स्लाइसेस मिल जाएँ तो नाइफ से इस तरीके से आपको ट्राइंगल्स में पनीर को कट करना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसे ट्राइंगल्स में कट कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप कट कर लीजिए। या आप देख सकते हो पनीर के आपको इस तरीके से ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में एक्स्ट्रा एक पार्ट बताया है, भाजियाँ कैसे कट करते हैं और पनीर को कैसे कट करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कोई कोई रेसिपीज़ में जहाँ पर मैं ऐसे कोई अलग शेप की वेजिटेबल यूज़ करता हूँ, तो मैं सोचा आपको आज बता देता हूँ। तो ट्राइंगल्स मैंने कट किए हैं, पनीर के भी ट्राइंगल्स कट किए हैं, ताकि जो है पनीर और सब्जियाँ एक समान लगें ग्रेवी के अंदर। अगर आप चाहें तो रेक्टेंगल्स में कट कर सकते हैं, स्क्वायर्स में कट कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है, उससे हमारी रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्राइंगल्स में इसलिए कट किया है कि हर एक पनीर की सब्जी में क्यूब्स या रेक्टेंगल्स में कट करते हैं, तो थोड़ा एक अलग लुक देने के लिए आज मैंने ट्राइंगल्स में पनीर को और सब्जियों को कट किया है। तो पनीर और सब्जियां कट हो चुकी हैं, कढ़ाई मसाला हमने बना लिया है। नेक्स्ट अभी हमको ग्रेवी बनानी है कढ़ाई पनीर की। ग्रेवी कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। एक हांडी में 4 से 5 टेबलस्पून घी ले लीजिए। घी एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा और चॉप किए हुए प्याज ऐड करने। मैंने 2 प्याज और जो प्याज के बल्ब्स बच गए थे हमारे सब्जी काटते टाइम वो चॉप करके ऐड किए। प्याज को भी आपको स्टर करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है।
आप देख सकते हो प्याज को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। अब इस स्टेज पर इसमें 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक डालकर अच्छे से आपको स्टर करना है। और प्याज जब तक एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है और आपका लहसुन और अदरक अच्छे से भून नहीं जाता है, तब तक आपको इसको पका लेना है। लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से भून चुके हैं, अब इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। फ्लेम लो करके 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून जो हमने कढ़ाई मसाला बनाया था वो ऐड कर दीजिए और साथ ही में 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करते ही इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए ताकि हम अपने मसालों को अच्छे से भून सके और मसाले जले भी नहीं। तो अच्छे से स्टर करके तब तक भून लीजिए जब तक कि मसाले में से घी जो है वो अलग नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हो घी छूट चुका है। इस स्टेज पर इसमें चॉप किए टमाटर ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। टमाटर मैंने 5 लिए हैं और साथ ही में 2 जो टमाटरों का अंदर का हिस्सा बच गया था वो भी चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपको अच्छे से स्टर करके टमाटरों को पकाना है मसाले के साथ जब तक कि इस ग्रेवी में से घी नहीं छूट जाता है। थोड़ा सा स्टर करने के बाद मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ। ये एक पोटैटो मैशर ले लिया है मैंने। पोटैटो मैशर से इन टमाटरों को मैं हल्का सा मैश कर रहा हूँ। मैश करने से क्या होगा, टमाटर जो है वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी जो है वो जल्दी से पकेगी और इसे भूनने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने हल्का सा ऐसे पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद अब इसे फिर से स्टर करते हुए आपको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से भूनना है 20-25 मिनट या आधे घंटे के लिए। एकदम पेशेंट से भूनिए। जितना ज़्यादा आप इस ग्रेवी को भूनेंगे उतनी ही बेटर हमारी कढ़ाई की ग्रेवी बनेगी। तो इस बात का ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे लगे आपकी ग्रेवी थोड़ी सी ड्राई हो रही है इसमें हल्का सा गर्म पानी ऐड कीजिए। गर्म पानी ऐड करके इसको फर्दर कुक कर सकते हैं जब तक कि इसमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता। तो लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो ग्रेवी का रंग भी गहरा हो चुका है, घी अच्छे से छूट चुका है, हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसे बस अब टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट करके नमक को एडजस्ट कर लीजिए और ये हमारी कढ़ाई की ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। अब इस ग्रेवी को मैं साइड पर रख रहा हूँ, तब तक हम वेजिटेबल्स को टॉस कर लेंगे। एक बड़ी सी वॉक को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए। घी डालने के बाद कटे हुए कैप्सिकम, टमाटर और प्याज डाल दीजिए और बस 1 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पर आपको टॉस करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाई फ्लेम होनी चाहिए, एकदम तेज आंच होनी चाहिए, तो ही जो वेजिटेबल्स में क्रंच है वो बरकरार रहेगी। तो 1 मिनट आपने टॉस कर लिया, उसके बाद फटाफट से इसमें पनीर भी ऐड कर दीजिए, 1 चुटकी भर नमक और 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला यहाँ पर ऐड करके फिर से आपको हल्के हाथों से मिला लेना है या इसे टॉस कर लेना है। ध्यान देना है पनीर को हमें तोड़ना नहीं है, बस इसको फटाफट से टॉस कर लिया, मिक्स कर लिया। अब जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो ग्रेवी जो है अब इस कढ़ाई में आप ऐड कर दीजिए। तो ग्रेवी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड कर दी है, साथ ही में खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया और 1 इंच अदरक के लच्छे ये ऐड करके हल्के हाथों से आपको स्टर करना है। ध्यान देना है पनीर काफ़ी सॉफ्ट है, टूट जाएगा, तो हल्के हाथों से इसको मिक्स कीजिए। बस 1 से 2 मिनट के लिए आपको यहाँ पर पकाना है, हर चीज़ अच्छे से भुनी हुई है, पकी हुई है। 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालनी है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, और 1 चुटकी भर कसूरी मेथी डालकर इसको हल्के हाथों से स्टर कर लीजिए। मलाई जो है वो टमाटर के जो खट्टेपन को है वो हल्का सा कट कर देती है, तो मलाई आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो थोड़े से बेटर आएंगे। तो अच्छे से मैंने स्टर कर लिया है, लास्ट में ऊपर से थोड़ा सा इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया डाल दीजिए और ये हमारा एकदम डिलिशियस वाला कढ़ाई पनीर रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। We'll be right back.
कढ़ाई पनीर तो बहुत ही लाजवाब बना है, इट्स टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल। साथ में मैंने तंदूर में रोटियां लगाई थी, साथ में रोटियां खाओ, तंदूरी नान खाओ, रुमाली रोटी खाओ, बड़ा मज़ा आता है। और ये कढ़ाई पनीर जो है फैबुलस बनता है, तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे। आई एम श्योर यू गोना लव इट। लेट मी नो इन द कमेंट्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल कढ़ाई पनीर रेसिपी एट योर होम। Cheers.